तीन दिन में आयुर्वेद की दवा खाने से और योग करने से इसके बच्चे हो गए। 3 दिन में बच्चे नहीं, बच्चा होने में तो 9 महीने लगे थे, 3 महीने में इसी में से 3 महीने में इसकी मिसेज जो है प्रेग्नेंट होगी। और उसको डॉक्टरों ने बोला कि ये दोनों बच्चे जो है ऐसे खुश हो रहे, बाबा जी आपको हम रोज टीवी पर देखते थे, अब आपको सामने देख के हमको बहुत खुशी हो रही है, आप वही टीवी वाले बाबा जी हो ना। तो दूसरा बोला, आप टीवी से निकल के कैसे आए? मैंने कहा टीवी में थोड़ी रहता हूं मैं। कुछ बच्चे तो यही सोचते हैं, वो जब देखते हैं तब मैं टीवी में घुसा रहता हूं, तो उनको लगता है बाबा टीवी में ही रहते हैं, बाबा का हाउस, बाबा का घर टीवी है। छोटे बच्चे जो है ये याद है। हाँ, अब ये दोनों आत्माएं अभी तक ब्रह्मांड में रहती थी, ये योग और आयुर्वेद का प्रयोग ना करते तो ये धरती पर उतर आई। इधर आओ। हाँ, प्रणाम करो। ओम बेटू जी, ओम। ऐसे हाथ जोड़ के करते हो ऐसे? हाँ ऐसे। चलो इनको माइक देना भाई, ले इधर। तो इसको प्रॉब्लम थी, क्या था इसका? फिलिपियन टू हाँ, बाबा जी को चरणों में सत सत नमन। जा हम लोग शादी के उधर। 3 साल हो चुके थे और बच्चे नहीं हुए, तो लोगों ने समस्याएं बताना चालू कर दी कि ये करो, चेकअप कराओ, वो कराओ। तो हम लोगों चेकअप ने किया तो पता लगा तो फिलिपियन। फिलोपियन ट्यूब उसकी बंद थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, खुल भी सकती है, नहीं भी खुल सकती है, खुल के फिर से चिपक सकती है, और कोई गारंटी नहीं। तो हम लोगों ने, हालांकि बाबा जी को हम लोग बहुत पहले से ही फॉलो करते थे, तो उस समय बाबा जी की एक सीडी चलती थी बच्चों बच्चों के लिए। तो हम लोग गए पतंजलि योगपीठ लखनऊ में ही। इनफर्टिलिटी के लिए योग ऐसे वो अभी हाँ भी है, उस पर हाँ यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो वहां लखनऊ में गए, वहां पे उन्होंने कहा पहले तो ये सीडी ले जाओ और इसको योगा करो 7 दिन, और फिर उसके बाद दवाई लो जाके। तो सीडी ली और 7 दिन योगा किया, फिर दवाई 7 दिन बाद दवाई ली, और तीसरे दिन दवाई बंद हो गई क्योंकि तीसरे दिन हमारी बिटिया कंस्यूम हो गई। 3 दिन में क्या दवाई ली थी? वो शिवलिंगी, हाँ 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 शिवलिंगी। और इसको देना, इसने दवाई इसने ली थी, तूने थोड़ी ली थी। एक एक मुजफ्फरनगर का आदमी, रियल बता रहा हूं, आज से 25 साल पहले जो है उसने फोन किया आश्रम में, बोले बाबा दवाई तो घनी खा ली, बालक नहीं हुआ। मैंने कहा के खा रहा है? बोले शिवलिंगी पुत्र जीवक। मैंने कहा ये तो तेरी पत्नी के लिए दी थी। बोले बालक नहीं ठहरा। मैंने कहा पत्नी को खिला ठहर जाएगा। ओम बाबा जी यही पुत्र जीवक और शिवलिंगी दिया, तीसरे दिन ही बस मुझे खिला शिवलिंगी देता। पुत्र जीवक, एक एक ग्राम। पहले वो अभी भी आते हैं, वो दोनों बीज आते हैं उनका हाँ पाउडर हाँ करके, शिवलिंगी का तो अच्छे से साफ करके उसको कूट लेते हैं, और जो पुत्र जीवक होता है उसकी गिरी निकाल के उसको कूट लेते हैं, गाय के दूध के साथ खिलाते हैं। और कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई, लड़का होता है लड़की होती है, पहले इसको लड़की भी बाद में पहले तो लड़का हुआ। पहली बेटी हुई हाँ, कौन है। कहता? संसद में एक बार तो बखेड़ा हो रखा, बोले स्वामी रामदेव पुत्र पुत्री में भेद करते हैं, पुत्र जीवक देते रहे, नाम है उसका पुत्रन जीवा, अंग्रेजी में हिंदी में उसका सब वही नाम है उसका, क्या लग रहा करें। था कि बच्चे नहीं होंगे, फिर बेटी हुई, फिर अगले साल ही बेटा हुआ, दोनों बच्चे हुए। 16 महीने के डिफरेंस। तो ये खूब आनंद में है। दो तत्व तो एक साथ काम करते हैं, एक तो श्रद्धा कि स्वामी जी कह रहे हैं, एक सन्यासी कह रहा है हिंदुस्तान का, भारत का, कि ये इन्फर्टिलिटी ठीक होती है, साथ में पुत्र जीवक शिवलिंग ले मेरे लिया। पापा से मुझे प्रेरणा मिली, आपको 2000 से टीवी पे देखते हाँ, हैं, इनके और पिताजी जो इतना है ना वो मतलब पक्के इतनी भगत श्रद्धा, हैं। हाँ इतनी श्रद्धा है कि बाबा जी को देखते ही बस रोना शुरू करते हैं। ओ, भक्ति से उनको अश्रु हाँ धारा बहने लगती है, प्रीति की, इतनी प्रेम की। इसलिए रोते हैं जब कोई आपकी बुराई करता है, उल्टा हाँ आपकी कोई सुनने बुराई वाले करता है, नहीं कुछ होते कहता है, हैं। तो बहुत रोते, कहते एक इतनी दिव्य आत्मा को लोग समझते क्यों नहीं है, इसलिए रोते हैं। मतलब बहुत कोशिश की उन्होंने कि मतलब हम बाबा जी को इतना मतलब बताएं कि क्या है, बस कह नहीं पाते हैं, बस सीधा आंसू निकलने लगते हैं। तो ये पिता से तो इसको भक्ति मिल गई, और गुरु से इसको योग की शक्ति मिल गई, आयुर्वेद का वो मिल गया। अब तो हमने ये
शिवलिंगी पुत्र जीवक और मैंने कहा ना शतावर और कोंच के बीच, इसका एस्ट्रेक्ट निकाल के संतति सुधा बना दिया। तो खुटाई पिटाई भी सब बंद, दो दो गोली सुबह शाम खाओ। और अभी फोन पे बात हुई है तो आना भी चाह रहे हैं। चलो खूब आशीर्वाद, खुश रहो।